60 मीटर लंबा मलबा मजदूरों तक पहुंच में सबसे बड़ा रोड़ा था। अब जब लगातार ड्रिलिंग चल रही है तो मजदूरों तक पहुंचने में कुछ ही मीटर की दूरी रह गई है। वहीं मजदूरों को बचाने की मॉक ड्रिल भी एनडीआरएफ ने पूरी कर ली है। उम्मीद है कि शाम तक मजदूर अपनों के पास होंगे। 12 नवंबर से मजदूर एक बंद जगह में कैद हैं। वहां ना सोने का इंतजाम है, ना खाने का, ना रहने का। 13 दिन से मजदूर किस तरह अंदर रह रहे हैं ये आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस बीच एक चीज थी जो उनका आधार बनी, वो है खाना। शुरू से ही मजदूरों तक खाना पहुंचाने को प्राथमिकता दी गई। इसके लिए एक अलग से 7 सदस्यों की टीम भी काम कर रही थी, जो शुरुआत में मजदूरों तक मुरमुरे, सूखे मेवे, पॉपकॉर्न जैसी चीजें पहुंचाती रही। लेकिन ये टीम सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के साथ ही बचाव कार्य में लगे लोगों के भी खाने पीने का ध्यान रखती है। इन 7 लोगों की टीम के लीडर रत्नाकर दास ने बताया कि पहले तो 4 इंच के पाइप से हर 45 मिनट में अंदर फंसे मजदूरों को मुरमुरे, भुने चने, भीगे चने, बादाम, काजू, किशमिश और पॉपकॉर्न और मूंगफली दी जाती थी, जिसे वो स्टोर करके खाया करते थे। अब 6 इंच का पाइप पहुंचने के बाद से मजदूरों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। उनकी टीम मजदूरों, बचाव कार्य में लगी टीम की सुबह के नाश्ते, दिन और रात के खाने को पहुंचाने में दिन रात जुटी रहती है। रत्नाकर का कहना है कि ये काम उन्होंने खुद अपनी मर्जी से चुना है, ताकि वो अंदर अपने साथियों की देखभाल कर सकें। और इस काम के चलते पिछले कुछ दिनों में वो केवल 2 से 3 घंटे ही सो पा रहे हैं। इतना ही नहीं, रत्नाकर दास कहते हैं कि अंदर फंसे मजदूरों तक पाइप से खाना पहुंचाने में 2 घंटे का समय लगता है। इसके लिए दाल और खिचड़ी जैसे खाने के सामान बोतल में भरकर और फिर रस्सी से बांधकर भेजे जाते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसके लिए पाइपलाइन की मदद ली जाएगी। हाल ही में एनडीआरएफ ने उस पाइपलाइन का एक ट्रायल भी किया है, जिसका वीडियो सामने आया है। बता दें कि इस पाइपलाइन के जरिए पहियेदार स्ट्रेचर की मदद से सभी मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।